नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर फरखाबाद से। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा और इसी दिन रामलला अपने जन्म स्थान यानी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा, तो वहीं लगातार देश भर के वीवीआईपी साधु संतों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत रॉय ने 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फरखाबाद से महंत ईश्वरीदास ब्रह्मचारी और साध्वी सुलभा भारती को निमंत्रण दिया है। रितंबरा की पंक्ति में रहकर राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया था। वह 20 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना होंगी। लंबे समय तक भिंड में रही सुलभा भारती की जन्मभूमि फरखाबाद ही है। वह स्वामी योगानंद सरस्वती और स्वामी बामदेव महाराज से प्रभावित होकर 1984 में ही राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गई थी। प्रखर वक्ता होने के नाते वह जल्द ही सुर्खियों में आई और विहिप के संस्थापक अध्यक्ष अशोक सिंघल, उमा भारती और साध्वी रितंबरा के साथ मंच साझा करने लगी थी। वहीं भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में फरखाबाद से भी दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत जाएंगे। इसके लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा आमंत्रण भेजा गया है। आमंत्रण पत्र पाकर महंत ने खुशी जाहिर की है। दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वरीदास ब्रह्मचारी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय के द्वारा आमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें से कहा गया है कि लंबे संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 22 जनवरी 2024 को रामलला के नूतन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाएं। राम मंदिर 22 तारीख हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है और हम लोग तैयार हो जाएं, ठाकुर जी आने वाले हैं। ऐसे मान के चलो जैसे जिस प्रकार से उस समय क्या रहा होगा जब राम जी का अवतरण हो रहा था, चारों तरफ प्रकृति प्रफुल्लित थी, ऐसे ही 22 तारीख को भी हम लोगों के लिए हम लोगों के परम आराध्य भगवान राम जी आ रहे हैं, उनका अवतरण हो रहा है। सर्वप्रथम तो हम लोगों को चाहिए कि हम जैसे कोई छोटा मोटा कोई नेता आता है तो उसके लिए बहुत जल्दी से चारों तरफ सफाई साफ़ सफाई हो जाती है, ऐसे ही हमारे परम आराध्य जो जगत के नियंता हैं, जो सब सरकारों के सरकार हैं, वो पधार रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों को का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर के अपने चारों तरफ साफ़ सफाई करें। और ठाकुर जी की ये कृपा रही, राम जी की कृपा रही, जो हमारे जैसे तुक्षदास को भी निमंत्रण भेज दिया ठाकुर जी ने, वैसे हमारी तो पात्रता नहीं थी। 22 तारीख को हमारे राम जरूर ही जाएंगे, क्योंकि इससे अधिक और कोई उपलब्धि और कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। जब ठाकुर जी स्वयं बुलावा भेज रहे हैं तो हमारे राम जाएंगे। आप लोग जो है कि कैसे 22 तारीख को के हिसाब से मतलब जो है कि एक जब राम जन्मभूमि पर जो है शिलान्यास होगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी, तो आप किस रूप में उसको मनाएंगे? यह हम लोगों के लिए ऐसे ही मान के चलो जिस तरीके से एक छोटे स्तर पर एक छोटे से परिवार का एक दायरा होता है, हम लोगों का तो दायरा, संतों का दायरा उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं हम लोग। तो घर में सब लोग अपने बालक बालिका आदि का जन्मदिन मनाते हैं, कितना हर्षोल्लास होता है, और वह तो जगत के नियंता हैं, हम सब लोगों के आराध्य हैं, तो वो आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी ऐसे ही प्रफुल्लित हृदय से सब लोगों को भगवान के आने की प्रतीक्षा है।
आप जो है क्या मतलब जनता को संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है कि इस शुभ अवसर पर 22 तारीख को किस प्रकार से मनाएं अपने घर को, मतलब ये किस प्रकार, जैसे कि दीपावली लोग मनाते हैं तो उस टाइप में उसको किस हिसाब से मनाएंगे? हाँ, हम लोगों का परम कर्तव्य, वैसे तो दास का छोटा सा विचार है, वैसे तो अपना अपना जो भी विचार, हम तो यही कहेंगे कि एक तो अयोध्या में रामनवमी मनाई जाती है, जिस दिन भगवान का अवतरण हुआ था। हमारा निवेदन होगा जनता से भी और सरकार से भी कि एक यह भी राम का जो अवतरण हो रहा है 22 तारीख को, इसको भी एक तरीके से रामनवमी की तरह एक पर्व मनाया जाए पूरे देश में। अब यहाँ तक कि पूरे देश में ही नहीं, ठाकुर जी की कृपा से ये पूरे विश्व में ही इसको मनाया जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है। राम मंदिर 500 साल की अथक तपस्या संतों की, जिसमें 172,000 तो संतों ने, ऐसा महान पुरुष बताते हैं, गणना है कि बलिदान दिया है, और कितने ही कार सेवक, वो भी संत ही थे, संतों से एक बढ़कर के ही मानो, जिन्होंने अपने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया। इतनी बड़ी तपस्या, जब आज एक तरीके से 22 तारीख को हमारी तपस्या संतों की सफल होने जा रही है, तो इसमें हम लोगों को चाहिए जिस तरीके से दीपावली मनाई जाती है और जिस तरीके से अयोध्या में रामनवमी मनाई जाती है, ऐसे ही 22 तारीख को भी एक रामनवमी का ही पर्व हो।